हेलो फ्रेंड्स, आज है शनिवार की रात और हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा घर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने हल्दीराम का बेस लिया है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, अमूल चीज़ का यूज़ किया है और पिज़्ज़ा सॉस जो अवेलेबल था घर पर वो यूज़ किया है। साथ ही साथ जो सब्जियां घर पर थी उसको हमने यूज़ किया है एज अ टॉपिंग, और हमने इसमें शिमला, प्याज, टमाटर और कुछ स्वीट कॉर्न्स का यूज़ किया है। तो हमारा पिज़्ज़ा टॉपिंग डालकर रेडी हो चुका है। हम ये वेट कर रहे हैं पिज़्ज़ा के लिए। इसके ऊपर अभी डाला जा रहा है चीज़। अब ये रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। हमने बेक करने के लिए कढ़ाई का यूज़ किया है, जिसमें हमने बेस में नमक डाला है और इसको हमने कई 10 मिनट से चढ़ा के रखा है गैस पे। लो, अभी हमने ये पिज़्ज़ा उसमें ऑन कर दिया है और इसे ढककर हम लगभग 15 मिनट तक रखेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये चीज़ जो है 10 मिनट बाद मेल्ट होना शुरू हो गया है और ये बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसको हमने चाकू से कट कर दिया है। अब ये खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। इस पे हम जैसे चाहे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल के खा सकते हैं। साथ ही साथ टोमेटो सॉस अगर पसंद है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिएगा।